अभी के टाइम पे YouTube पूरा चेंज हो चुका है। पहले जिन वीडियोस पे 50 से 100 व्यूज आते थे, अभी उन वीडियोस पे लाखों में व्यूज आ रहे हैं, और जिन वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज आते थे उन पे अभी मुश्किल से 20 के व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब अगर तुम भी 2024 में सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हो तो तुम्हें भी YouTube के साथ चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी बड़े यूट्यूबर YouTube के साथ अपने अंदर चेंजिंग नहीं ला पाए, उनके चैनल डेड हो गए और उनकी वीडियोस पे बहुत ही कम व्यूज आ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए और किस टाइप की वीडियोस क्रिएट करनी चाहिए ताकि हम भी YouTube के एल्गोरिदम के साथ सेट हो पाए और अपने चैनल को ग्रो कर पाए? इसके लिए तुम्हें डिमांड सप्लाई आर्बिट्राज को समझना पड़ेगा। अब इस ग्राफ को देखो, इसमें सप्लाई का मतलब किसी कैटेगरी की टोटल वीडियोस एंड उस कैटेगरी में कितने लोग वीडियोस बना रहे हैं, और डिमांड का मतलब उस टाइप की वीडियोस को देखने वाले कितने लोग हैं। अब अगर तुम ऐसी वीडियो बनाते हो जिसमें क्रिएटर ज्यादा हैं और वीडियो देखने वाले भी उनके बराबर या उनसे कम है, तो शायद ही वो वीडियो कभी वायरल होगी, क्योंकि जो पहले से उस कैटेगरी में काम कर रहे होंगे सारे व्यूज उनपे आने के ज्यादा चांस होंगे। लेकिन अगर तुम ऐसी वीडियो बना रहे हो जिसमें वीडियो बनाने वाले कम हैं और उस टॉपिक पे बहुत कम वीडियोस भी हैं, पर सब लोग उस टाइप की वीडियो देखना चाह रहे हैं, तो तुम बहुत ही जल्दी वायरल हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें कम सप्लाई और हाई डिमांड वाली वीडियो क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि YouTube पे सप्लाई बढ़ती जा रही है और हर दिन YouTube पे क्रिएटर बढ़ते जा रहे हैं। 2024 में हर दिन 30,000 से ज्यादा घंटे की वीडियोस अपलोड की जाती हैं, और आने वाले हर दिन में डिमांड एंड सप्लाई के गैप का पता लगाना मुश्किल होता जा रहा है। अब सारी चीजें करने से पहले मैं तुमको एक ऐसे टूल के बारे में बताता हूँ जो तुम्हारे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को बहुत ही आसान कर देगा। जैसे ही तुम डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लिंक को क्लिक करोगे तो यहाँ पे आने के बाद इस टूल को तुम फ्री में डाउनलोड कर लेना। ये तुम्हारी लो क्वालिटी इमेज को HD में कन्वर्ट कर देगा, तुम्हारी इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा, और कोई चीज इमेज से डिलीट करना हो तो वो भी तुम कर सकते हो। टूल को ओपन करने के बाद यहाँ पे तुमको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। अब लो क्वालिटी इमेज को HD में करने के लिए इस ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे कोई वर्जन सिलेक्ट करने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक कर दो, तुम्हारी फोटो एकदम हाई क्वालिटी में हो जाएगी। फिर यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इस ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से इमेज को सिलेक्ट कर लो, ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। अगर कुछ चेंजिंग करना हो तो यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट करके कर सकते हो, और यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब इमेज से किसी चीज को रिमूव करने के लिए इस ऑप्शन पे आने के बाद इमेज को सिलेक्ट कर लो, फिर इस ब्रश पे क्लिक करने के बाद जिस चीज को तुम रिमूव करना चाहते हो अच्छे से सिलेक्ट कर लो। फिर जैसे ही प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, फिर यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब इस डिमांड सप्लाई के सॉल्यूशन के लिए तुम्हें अपने ऑडियंस को समझने में अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा कि तुम्हारी ऑडियंस किस टाइप की वीडियोस की मांग कर रही है। उसका मतलब तुम्हें अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी। अब इस चीज को करने के लिए तुम इन 3 स्टेप को फॉलो कर लो, तुम्हें बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा। सबसे पहले तुम्हारी कैटेगरी में जो कंपटीटर हैं उनके चैनल में जाओ, और वीडियो वाले सेक्शन में फिल्टर वाले आइकन पे जाके पॉपुलर पे क्लिक कर दो। इससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि उनकी कौन सी वीडियो ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। उस वीडियो को अच्छे से एनालाइज करो कि उसमें ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से उसके वीडियो की परफॉर्मेंस अच्छी थी। फिर उसी बेस पे और उसकी कमियों को निकाल कर और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने के बाद वीडियो क्रिएट कर दो। सेकेंड स्टेप में तुम ये कर सकते हो कि अपने नीश के न्यू क्रिएटर्स को फाइंड करो। अगर उनकी वीडियो शुरू से ही अपने सब्सक्राइबर से ज्यादा व्यूज ला रही हैं, तो उसका मतलब यह है कि वो कुछ अलग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तीसरे स्टेप में तुम इन दोनों टाइप्स की वीडियोस के कमेंट्स को पढ़ो और देखो उनकी ऑडियंस क्या मांग कर रही है। अगर तुम्हें कोई आइडिया अच्छा लग रहा हो और YouTube पे उसको सही से कोई फुलफिल ना कर रहा हो तो तुम उस पे वीडियोस बना सकते हो। इन्हीं तीनों चीजों को करके तुम डिमांड सप्लाई के गैप का पता लगा सकते हो। फिर इन तीनों स्टेप को फॉलो करते हुए तुम वीडियोस बनाते जाओ, और इससे बढ़कर तुम ये कर सकते हो कि उसके थंबनेल को और अच्छा और कैची बनाओ, और जबरदस्त स्क्रिप्ट लिखते हुए हाई क्वालिटी स्टोरी टेलिंग करो जिससे ऑडियंस तुम्हें और अच्छे से वॉच कर पाए। अगर तुम मेरी इस वीडियो को देखो तो तुम्हें पता लगेगा कि मैंने इसको इन वीडियोस के बेस पे बनाया है, और मुझे पता था उन वीडियोस में कुछ ऐसी चीजों को बताया गया है जिसको कट कर देना चाहिए, तो मैंने उनमें से कुछ चीजों को कम करके कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया और वीडियो को मोर वैल्यूएबल एंड एंगेजिंग बना दिया, और ये चीज जबरदस्त काम कर गई।
तुम देख सकते हो इस पे अभी के टाइम पे 2 लाख से भी ऊपर व्यूज आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक और चीज समझ लो, YouTube पे 2 टाइप्स के व्यूज होते हैं, लो क्वालिटी व्यूज एंड हाई क्वालिटी व्यूज। लो क्वालिटी व्यूज ऐसे होते हैं जो तुम्हारे वीडियो को एक बार देखते हैं और फिर वो तुम्हारी वीडियो पे कभी नहीं आते, और हाई क्वालिटी व्यूज ऐसे होते हैं जो तुम्हारे चैनल पे जाके सारी वीडियोस देखते हैं और तुम्हारी आने वाली हर वीडियोस का वेट भी करते हैं, यही हाई क्वालिटी व्यूज होते हैं। अगर तुम ऐसे व्यूअर बना लेते हो, बाद में चलकर अगर तुम उनको कुछ सेल भी करते हो तो वो खरीद लेते हैं, तो तुम्हें इस टाइप की हाई क्वालिटी ऑडियंस क्रिएट करना है। तो आखिर कैसे तुम हाई क्वालिटी व्यूज ला सकते हो, तो ये चीज डिपेंड करती है कि किस टाइप का कंटेंट तुम क्रिएट कर रहे हो। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से तुम ऑडियंस के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो और उनसे रिलेशन बिल्ड कर पाते हो, और अगर तुम अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो वही तुम्हारी हाई क्वालिटी ऑडियंस बन जाएगी। लेकिन उसी की जगह पे तुम शॉर्ट्स क्रिएट करते हो तो तुम ऑडियंस से सही से कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वह एक के बाद एक शॉर्ट्स स्क्रॉल करते जाते हैं और तुम उन्हीं शॉर्ट्स में गुम हो जाते हो, और इस टाइप की ऑडियंस तुम्हारी वीडियो कभी भी वापस देखने नहीं आएगी। अब तुम मुझे इस सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें याद है तुमने लास्ट 10 शॉर्ट्स क्या देखा और किस यूट्यूबर की थी? तो शायद ही तुम बता पाओ। अगर तुम्हें यूट्यूब पे लंबे टाइम तक खेलना है तो तुम्हें लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर तुम मेरे चैनल पे जाओगे तो मैंने भी सारे के सारे लॉन्ग वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर मैं भी शॉर्ट्स क्रिएट करता तो शायद मुझे और अच्छे व्यूज मिल भी जाते, लेकिन मैं जरा सा भी ऑडियंस बिल्ड नहीं कर पाता। इसीलिए अपनी एक वीडियो अपलोड करने में अच्छे से टाइम दो, क्योंकि YouTube का बेसिक एल्गोरिदम सारी वीडियोस पे अप्लाई होता है। तो 2024 में वायरल वीडियो बनाने के लिए तुम हाई क्वालिटी स्क्रिप्ट लिखो, जिसमें तुम पहले के 30 सेकंड में व्यूअर को हुक कर पाओ और मेन वीडियो में व्यूअर से इंगेज कर पाओ, और लास्ट के पार्ट में तुम व्यूअर से कुछ बोल पाओ ताकि व्यूअर हाई क्वालिटी ऑडियंस में कन्वर्ट हो जाए। स्क्रिप्ट लिखने के बाद तुम्हारी वीडियो टू द पॉइंट होगी, क्लियर होगी एंड वैल्यूएबल होगी, और तुम्हारी ऑडियंस को देखने में मजा आएगा। और अगर ऑडियंस वीडियो पर देर तक टिकी रहती है तो तुम्हारा चैनल अचानक से ग्रो हो जाएगा। अब अगर तुमको ये जानना है कि YouTube पे हाई क्वालिटी वीडियो बनाने के लिए क्या क्या और किस स्टेप से करना चाहिए, तो इस वीडियो को वॉच कर लेना। मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा दिया है। मिलते हैं वहीं पे।